guys, welcome or welcome back to my channel. I am Khushi Sinha and I hope you guys are going good and doing great in your lives. Well, आज मैं इतना तैयार होकर नवरात्रि के तट पर बैठी हूँ एंड सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड सो आई गॉट रेडी इन दिस लाइक मेकअप वगैरह बिकॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी सिट एंड टॉक एंड लाइफ अपडेट्स वाइल डूइंग द मेकअप. सो हाउ आई हैव अचीव दिस लुक ये आपको ओवर द टाइम मेकअप पूरा वीडियो में पता चलेगा क्या क्या प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें मैं उसको मेंशन करती रहूँगी. बट यस, बिफोर मूविंग अहेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नए हूँ चैनल पे, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शो सम लव, शेयर सम लव एंड एट द सेम टाइम मैं इंस्टाग्राम भी बहुत कॉन्शियसली पोस्ट करती रहती हूँ. सो इफ यू हैवंट चेक दैट आउट डू चेक दैट आउट. मैं इंस्टाग्राम आईडी भी लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, गो थ्रू दैट एज वेल. सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टूडेज वीडियो. बट हाँ, ये सारी चीज़ें थ्रू द एक्सपीरियंसेस, कुछ क्वेश्चन मोटिवेशनल है, कुछ क्वेश्चन लाइफ रिलेटेड है, तो ऑल दोज थिंग आई हैव गिवन बाय माई ओन एक्सपीरियंसेस. आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी समवे नॉट करेक्ट दैट, आई माइट नॉट बी दैट अप्रोप्रिएट जो लोगों को चाहिए था. तो bear with me with that and it's a very first time I have done a video like that, so I'm very nervous actually. So yeah, I hope you guys enjoyed. Please drop a comment kaisa lagega aapko pura video, please usko comment karna. If there's something to improvise or something like that, I'm always open with a warm heart, please mujhe batana. So yes, without any further delay, let's get into today's video. Okay, so usually the first question which comes to people's mind is that what do I do professionally, which position I am, where I am working, and it's a part of like working as a YouTube creator or Instagram content creator, what do I do? So I actually work in an edtech company as a business development manager and it has been quite a few time I've been working here. पहले इंटर्न की तरह ज्वाइन किया था एंड नाउ इट्स बीन अ फुल टाइम जॉब. आई एम डूइंग हियर फ्रॉम लाइक पास्ट वन ईयर, मोर देन वन ईयर नाउ बाय नाउ. सो या दैट्स व्हाट आई डू प्रोफेशनली. सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ योर नॉर्मल डेज लुक लाइक, व्हाट डू यू डू इन योर लाइफ एंड कैसा आपके दिन चलते हैं एंड एवरीथिंग वट एवर. सो यूजुअली द डे इज कि सबसे पहले मैं अपना उठती हूँ एंड आई हैव मेड एन हैबिट ऑफ स्टार्टिंग द एफर्मेशन थिंग एंड इट रियली वर्क्स मिरेकल. बहुत अच्छा लगता है एंड काफ़ी सब पॉजिटिव वाइब से शुरू होता दिन. ऑल्सो आई वर्कआउट एंड एवरीथिंग मॉर्निंग में, बीच में बहुत डाइट वगैरह सब खराब कर ली थी बट होपफुली आई एम बैक ऑन ट्रैक. सो या दैट्स व्हाट आई डू एंड उसके बाद ये मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है, तैयार व्यार होकर ऑफिस जाके. आजकल तो नवरात्रि चल रहे थे, आई एम डूइंग पूजा पाठ एज वेल. यूजुअली आई डू बट नॉट दैट ऑफ्टन, बट अभी नवरात्रों में डेली आफ्टर लाइक शावर आई डू द पूजा थिंग एंड उसके बाद आई गो टू द ऑफिस. वहाँ पे आई लाइक स्पेंड बहुत सारा टाइम एंड देन कम बैक, कुक फॉर माई सेल्फ, समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ द यूजुअल डे. उस बीच में आई एडिट सम ब्लॉग्स, मिनी ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग. आई शूट कंटिन्यूसली शूट और संडेज को यूजुअली आई ट्राई टू एडिट एंड मेक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज. बाकी मेरा दिन यूजुअली वैसे ही जाते हैं सारे. देन नेक्स्ट, बहुत बार मुझे क्वेश्चन पूछा गया है दैट हाउ वॉज योर लाइक हाउ योर विजन बोर्ड ऑफ 2024 लुक्स लाइक एंड हाउ मच यू हैव अचीव्ड आउट ऑफ इट. तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि अपने विजन बोर्ड बनाया अपने, अगर मेरा ब्लॉग नहीं देखा, इट वॉज लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर. तो मैंने विजन बोर्ड का बनाया था एंड काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि कितना कुछ मैंने कवर अप कर लिया है उसमें से, वॉट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट और क्या क्या बचा है. सो द विजन बोर्ड लुक्स लाइक दिस, आई विल पुट अ पिक्चर हियर एंड उसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने कवर अप कर ली. आई वेंट टू उदयपुर एंड उसके साथ मैंने कार भी चलाई थी बट आई एम प्लानिंग कि अभी भी साल खत्म होने में 2 महीने बचे हैं एंड आई जॉइन अ ड्राइविंग स्कूल हेयर इन दिल्ली इटसेल्फ. बट द थिंग इज आई डोंट हैव अ कार हेयर, तो एनी वेज आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली बट आई एम रियली इन टू इट. एंड साथ में देयर वाज अ ट्रिप फ्रॉम मथुरा टू वृंदावन वाला आगरा एंड एवरीथिंग वाज देयर, सो दैट ऑल्सो गॉट फुलफिल्ड. YouTube पे आई एम वर्किंग, आई हैव गॉट 1K प्लस सब्सक्राइबर फाइनली, बहुत टाइम से मेहनत करने के बाद. एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना. एंड साथ में लाइक इट वॉज मेंटेनिंग हेल्थ एंड एवरीथिंग. इनिशियली आई वॉज मेंटेनिंग, बीच में थोड़ा ट्रैक लूज होके बट आई एम बैक ऑन ट्रैक अभी. सो या दीज आर द थिंग्स आई एम डूइंग एंड वन थिंग आई एम नॉट श्योर कि वेन इट इज़ गोइंग टू हैपन इज अ गर्ल्स ट्रिप बिकॉज एवरीबडी इज सो बिजी इन देयर लाइफ. सो स्टिल 2 महीने बचे हैं सालों खत्म होने में, तो आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर दैट. सो
एंड स्नो भी मैंने अपना देख लिया साल का, मतलब साल की शुरुआत में. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो ब्लॉग, वो सब मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जितने भी ब्लॉग्स की बात कर रही हूँ. सो ये काफ़ी चीज़ें फुलफिल कर ली है, टच वुड. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल यूजुअली आस्क मी इज दैट डू यू लिव बाय एनी वर्ड्स ऑफ विजडम, और ऐसा कुछ है जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो and you work in that thing. So yeah, I do have few things in my ways. मैं हमेशा manifest करती रहती हूँ. I believe in speaking good things. Energy, like energy is there. So we are supposed to attract energy, whether it be a positive or negative. तो अच्छा अच्छा बोल के it's better to attract positive energy from the universe. और दूसरा one more words of wisdom somebody has told me and I really अभी फिलहाल के लिए लिविंग बाय इट एंड स्वेयर बाय इट. यूजुअली व्हाट हैपेंस कि आप अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए फोकस्ड होते हो एंड आप दूसरों की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो ना कि अपनी लाइफ में. सो आई विल रीड आउट अ कोट जो मैं आजकल आई एम लाइक रियली स्वेयर बाय इट, समबडी सेंड मी. सो इट्स लाइक ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल. एंड आई स्वेयर बाय इट, लाइक राइट नाउ आई रियली स्टॉप डिस्कसिंग पीपल, आई स्टॉप डिस्कसिंग पीपल्स लाइफ काफ़ी ज़्यादा हद तक, लाइक 90% जो मैं कर रही. वैसे यूजली आई डोंट डू दैट मच ऑल्सो, बट जितना भी था आई हैव लिटरली स्टॉप डिस्कसिंग पीपल इन माई लाइफ एंड ओनली डिस्कस गुड आइडियाज, गुड थिंग्स. एंड किसी की बुराई चुगली गॉसिप्स वगैरह तो अभी नहीं, इवन दो आई एम जस्ट लिविंग अलोन सो आई डोंट हैव पीपल टॉक टू दैट फॉर्मैट ऑल्सो. बट या इट्स बेटर, इट्स बेटर यू डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट एनीबडी, यू डोंट फील नेगेटिव अबाउट एनीबडी एंड इट्स ऑल गुड एंड गुड. देन नेक्स्ट अप जो अनदर थिंग पीपल यूजुअली आस्क कि व्हाट्स टॉप इन योर प्रायोरिटी इन द बकेट लिस्ट एंड एवरीथिंग, कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट्स द मेजर थिंग इन योर बकेट लिस्ट एंड एवरीथिंग. सो एज सच ऑल आई रियली फील लाइक आई हैव इज हैविंग अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एट द सेम टाइम आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. सो द ओनली बकेट लिस्ट आई वुड से कि इज ट्रैवलिंग अराउंड द, लाइक कोई कंट्री बची नहीं होनी चाहिए दैट आई हैव नॉट ट्रैवल टू. आई रियली वॉन्ट टू ट्रैवल एवरीवेयर, लाइक दैट इज अटमोस्ट पॉसिबल, बिकॉज आई थिंक आई हैव रियलाइज दैट आई हैव अ वेरी कीन पैशन अबाउट ट्रैवलिंग. मतलब पहले तो लॉकडाउन था बचपन में, काफ़ी चीज़ें थी, नेवर ट्रैवल दैट मच. बट सिंस आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग दिस ईयर, ट्रस्ट मी इट जस्ट गिव्स यू सो मच एक्सपीरियंस पीस. एंड आप जहाँ पे हो नॉट ट्रैवलिंग इन सेंस की टिकिंग मार्क्स सब की पॉइंट्स के चाहिए भी जाना, ये भी जाना, ये जाना, नॉट गोइंग इन टिकिंग मार्क वाला फेस, बट यस गो देयर, जस्ट स्टे पीसफुल, जस्ट इंजॉय द प्लेस यू आर एट. और वहाँ पे आप रह के उस जगह को इंजॉय करो, उस वाइब को इंजॉय करो, वहाँ के लोगों से मिलो, वहाँ के कल्चर, मतलब जस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस. आई थिंक दैट इज समथिंग आई हैव एम्ब्रेस्ड दिस ईयर बहुत बहुत ज़्यादा. और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे अभी बहुत ज़्यादा रीसेंट में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हाउ डिड आई मैनेज टू ट्रिप्स अराउंड, लाइक ऑलमोस्ट बैक टू बैक एक मंथ की गैप में, टू उदयपुर एंड टू मथुरा वृंदावन आगरा. वेल इट इज गोइंग टू बी बिट, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू साउंड एनी वे अदर वे फॉर्मैट, बट द थिंग इज़ कि दिस टाइम आई रियली वॉन्टेड टू टेक माई पेरेंट्स आउट एंड उनको मथुरा वृंदावन एंड आगरा, उनको काफ़ी टाइम से देवर प्लानिंग, कभी मैं नहीं फ्री होती थी कभी कुछ. एंड देन आई रियलाइज कि जब भी जाएंगे आई टेक यू गाइज देयर. सो आई सेव मनी एंड एवरीथिंग, सो आई टुक देम टू मथुरा आगरा वृंदावन. एंड हाउ डिड आई मैनेज, आई डू सेविंग्स अलॉट, मतलब बहुत सेव करती हूँ मैं ऐसा. फ्रॉम अर्निंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी, सो आई डू सेव उसमें से काफ़ी सारा परसेंटेज एंड लाइक डू ओनली द नेसेसरीली खर्चा करने वाला चीज़. इवन दो आई स्पेंड ऑन माई सेल्फ, इट्स नॉट लाइक आई लिव इन कंजूसी, बट आई स्पेंड जहाँ पे नीडेड है. मतलब आई डोंट फील लाइक इन्वेस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों में काफ़ी सारा मनी, बिकॉज अगेन अल्टीमेटली आई टोल्ड यू आई वांट टू ट्रैवल मोर, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्रायोरिटाइज माई थिंग, बिकॉज अमाउंट तो एक्स अमाउंट ऑफ मनी फिक्स है, उतना ही आना है सैलरी का. सो उससे वट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्ट ट्रैवलिंग, यू वॉन्ट गुड लग्जूरियस थिंग, नॉट लग्जूरियस बट हाँ एक्सपेंसिव थिंग्स, और यू वॉन्ट एक अच्छा बहुत अलग, मतलब एवरीबडी हैज़ डिफरेंट प्रायोरिटीज. सो फॉर मी द प्रायोरिटी इज़ टू ट्रैवल, टू मेक माई पेरेंट्स ट्रैवल एंड एवरीथिंग. तो आई डू सेव मनी इन दैट फॉर्मैट. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत यूजुअली मुझसे अभी पूछ रहे हैं लोग, दैट वाई डिड आई लिफ्ट मॉडलिंग एंड डूइंग शूट्स इन एवरीथिंग. सो लास्ट शूट जो मैंने किया था इट वॉज इन अप्रैल दिस ईयर, एंड उसके बाद आई नॉट इवन अ वन सिंगल शूट एंड समथिंग. सो व्हाई डिड आई लेफ्ट एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एंड एवरीथिंग. तो द मेजर थिंग इज़ कि सी मॉडलिंग
is something, it could be a full-time career, but it will take time. Eventually, if you have that time with you, if you don't have that responsibilities, or not even the responsibilities, but you take some sort of responsibility on you, ki, understand ki, achha, what is the future and what is the high amount of certainty and everything. And understanding my body type, it would require, I love food, I love everything, but I can't sacrifice it all. I feel so, matlab kafi log karte hain pura khana banana chhod ke de, get into some shape and everything. I try to do that at most time, but usually it happens ki mera metabolism bahut weak hai, kaaran bahut zyada jaldi weight gain mera hota hai. बट इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग करियर, आपको नहीं पता कि आपका नेक्स्ट शूट कब आने वाला है, आपको प्रीवियस शूट का पेमेंट कब आने वाला है. सो यू कैंट लाइक कम्प्लीटली रिलाय इनिशियली ऑन द मॉडलिंग मनी यू अर्निंग. सो इफ यू डूइंग इट एज अ पार्ट टाइम और इट्स लाइक अपने कॉलेज के साथ साथ कर रहे हो एंड एवरीथिंग, दैट इज रियली ग्रेट. इट विल गिव यू एक्स्ट्रा एज एंड एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. बट इफ यू लाइक वॉन्ट टू मेक इट अ फुल टाइम करियर, लाइक फॉर मी it was a thing ki should I go for the full time career or not. So finally I decided, but yeah, anyways I always say that never say never, ki kabhi bhi agar koi acha shoot hai, mujhe kuch aise opportunity aayegi, to I will not say no to that. But again, never say never, but abhi filhal ke liye it's on a pause. Let's see if I'll get something good, I'll apply for something good. If it happens, I'll do definitely a shoot or something. क्वेश्चन वॉज कि लोगों ने मुझसे पूछा था कि वट हैपेंड एट मिस इंडिया ऑडिशंस. आई गेव द मिस इंडिया ऑडिशंस दिस टाइम एंड पास्ट टू ईयर्स से मैं आई एम गिविंग ऑडिशंस. लास्ट टाइम आई वेंट टिल टॉप 16 और टॉप 12 ऑफ बिहार, बट दिस टाइम आई कुडंट मेक इट. बिहार के लिए तो मैं ऑडिशंस के लिए गई नहीं थी, उत्तराखंड से आई कुडंट मेक इट एनीवेयर. And the thing is ki they have some certain sort of criterias. Modeling is also like an athletic practice, as I would say. जैसे athletes को पूरे साल आपको अपने आप को train करना पड़ता है, एक certain shape में, एक certain weight में रहना पड़ता है. Same way में modeling में और beauty pageants में आपको रहना ही पड़ेगा. Then एक question सबके mind में आता है और लोग आपस में लोग पूछते भी हैं कि what do you think कि अभी तक आपने life में ऐसा क्या करा है जो you are most proud of yourself. तो टॉकिंग अबाउट कि ऐसा क्या करा अभी तक लाइफ में, रियली डोंट नो. आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एवरी स्टेप ऑफ माय लाइफ एंड ट्राई टू लर्न एंड थ्राइव थ्रू द सिचुएशन. आई लर्न इन लाइफ, लर्न टू लाइक जिंदगी में कोई अच्छा करना है तो आई हैव हाई अमाउंट ऑफ रेजिलियंस दैट आई कैन टेल यू. आई हैव रियली गुड रेजिलियंस, आई डोंट गिव अप ईजिली एंड एनी थिंग. और ये फिलहाल के लिए इफ यू हैव टू टॉक कि ऐसा क्या है जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ, is that I do have a sense of responsibility in me जो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नरिश करती हूँ. सो दैट इज़ आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ. आई रियली केयर अबाउट द पीपल हु आर अराउंड मी एंड एवरीथिंग. दैट इज़ फ्यू थिंग्स आई रियली फील कि आई स्टिल ह्यूमन फ्रॉम इनसाइड एंड आई एम नॉट वर्किंग इन द वे लाइक यूजली पीपल डू कि काफ़ी सारा काम है ये है, लेकिन ह्यूमन नेचर नहीं है लोगों में. तो आई एम स्टिल वेरी मच ह्यूमन, आई स्टिल give respect to the people, I have really good time with many people I attract to. So next question people usually ask, that what is the hardest life lesson you have learned and how you have got through that thing and sab kuch questions aate rehte hai. So people really want to know ki how others also go, kyunki har kisi ki life mein kabhi na kabhi aisa moment aata hai they feel like giving up, they feel like okay this is done, बहुत ज़्यादा हो गया, life इतनी hard जा रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. तो it usually happens with everybody, not only me but you, everybody out there. तो majorly मेरे को लगता है कि I really don't remember hardest thing because I keep on erasing the bad memories I always have. But if I talk about the how I cope up with it is having a high amount of resilience. I always say that and people around me also makes me remind that you do have that high amount of resilience and you don't usually give up on the things anywhere. And it's a very small life, you need to live your life to the fullest. आप छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन लेते रहोगे, इतना हर छोटी चीज़ों का टेंशन लेते रहोगे तो अल्टीमेटली इट विल बी रूइनिंग योर लाइफ एंड विच नोबडी वांट्स. फोकस ऑन द गुड एंड हमेशा आगे के, अपने आप से ज़्यादा कुछ ऊपर रखते हो ना, आपका जो गोल, आपका जो एम होता है अगर वो आपसे ऊपर है और तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो कहीं ना कहीं कम होती जाती हैं. एंड द गोल, द अल्टीमेटम गोल एक्चुअली जो आपने सोचा हुआ है अपने लिए, दैट कुड बी अचीव्ड. सो हमेशा अपने आपके लिए एक टारगेट सेट करके रखो, एनी थिंग, इट कुड बी फाइनेंशियली, इट कुड बी ट्रैवलिंग वाइज, इट कुड बी हैविंग अ गुड
लाइफ स्टाइल्स, कुछ भी टारगेट सेट करके रखो एंड अंडरस्टैंड कि यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट. तो वो आप कैसे वर्क कर रहे हो, छोटी मोटी हर्डल्स आते रहेंगे, दैट विल एड ऑन टू योर ऑटोबायोग्राफी, विच आई फील सो लाइक ऑलवेज से कि थोड़ी बहुत ऊपर से होती चीज़ें हैं. तो समडे अब ऑटोबायोग्राफी और लाइक अ बायोपिक माइट बी मेड ऑन मी एंड ये सब चीज़ें उसमें आ सकती है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं दैट आर यू फॉलोइंग एनी डाइट प्लान अभी और समथिंग लाइक दैट. तो नॉट पर्टिकुलरली, बट अभी तो बिल्कुल ही नहीं करी थी. आई री स्टार्टेड एवरीथिंग अगेन. इट्स यूजुअली हैपन्स दैट दिस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, आई थिंक आई डू हैव दैट. कभी कभार मतलब हिट नहीं करता तो हम चीज़ें करते रहते हैं, फिर उसके बाद रियलाइज होता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, फिर वापस री स्टार्ट करना पड़ता है. थोड़ी कंसिस्टेंसी में मेरे को आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन मी. तो डाइट प्लान अभी फिलहाल के लिए तो इज दैट कि आई मेक श्योर नॉट टू ईट आउटसाइड. आउटसाइड मतलब नॉर्मल खाना भी बाहर का नहीं खाना मुझे. सब होम कुक्ड ही बनाती हूँ अपने घर में एंड एवरीथिंग. आई कुक लंच फॉर माई सेल्फ, आई कुक डिनर यूजुअली. बहुत रेयर अगर इफ यू गॉट लेट और समथिंग देन आई यूजुअली प्रेफर टू गो एंड ईट आउटसाइड. अदरवाइज आई ईट इनसाइड लाइक होम कुक्ड फूड ओनली, अच्छा क्वालिटी, लेस ऑयल, थिंग्स लाइक दैट. सो दीज थिंग्स रियली वर्क डाइट के हिसाब से. एंड हाँ, थोड़ा सा प्रोटीन रिच, हैविंग प्रॉपर वाटर इनटेक, ये सब चीज़ें अभी मैं वापस से शुरू कर चुकी हूँ. सो नेक्स्ट इज़ लाइक डू यू नो टू कुक, कैसा खाना बनाते हो, जो मोस्टली क्वेश्चंस मुझे पड़ोस पड़ोस की आंटीज आती, क्या बाहर रहते हो, कैसा खाना बनाते हो, क्या करते हो एंड ऑल दो स्टफ. सो आई डू कुक, आई नो हाउ टू कुक, बट कुकिंग इज़ थेरेप्यूटिक. बट इफ़ इट इज़ डन इन दैट फॉर्मेट, अगर वो मेरे लिए बहुत नेसेसिटी बन जाता है और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जब वो चीज़ आती है तो मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू आती है. आई डोंट लाइक फीलिंग बर्डनड अप कि अच्छा नहीं बनाया तो नहीं खाने को मिलेगा और समथिंग लाइक दैट. आई डू एंजॉय कुकिंग बट इन अ थेरेप्यूटिक वे, नॉट ऐसा कि नेसेसिटी, क्योंकि अल्टीमेटली कुकिंग इज़ नेसेसिटी बट आई डू एंजॉय. बट जब उसको मुझे थेरेप्यूटिकली और मैं बनाते रहते गुड अच्छी माइंड सेट के साथ ऐसा. इनिशियली इट हैपेंड विथ मी कि आई वॉज कुकिंग एंड एवरीथिंग, बट बहुत बहुत अजीब सा माइंड सेट सा यूज टू कुक एंड एवरीथिंग. सो उसके कारण आई हैड मतलब बहुत अच्छा खाना भी नहीं बन रहा है. माइंड ऐसा था कि अरे कुकिंग करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है. बट देन आई रियलाइज कि अगेन स्टार्ट डूइंग विथ गुड एंड गुड पॉजिटिविटी, गुड एफर्मेशंस, ये सब चीज़ें करते हो तो अल्टीमेटली द थिंग्स हैपन्स इन योर फेवर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द फूड पॉइंट ऑफ व्यू दैट आर यू अ फूडी एंड व्हाट काइंड ऑफ कुजीन यू लाइक टू ईट, क्या खाना पसंद है, कैसा, व्हाट्स योर टेस्ट एंड एवरीथिंग ऑफ फूड. सो आई एम लाइक कम्प्लीटली अ फूडी, आई लव फूड, आई कैन डिस्कस ऑन फूड, आई कैन मीट पीपल फ्रॉम लाइक एनी वेयर इन द वर्ल्ड एंड ट्राई देयर फूड एंड एवरीथिंग. सो आई एम अ बिग टाइम फूडी, दैट्स ट्रू. एंड आई एन्जॉय डिस्कसिंग फूड ऑल्सो, सो दैट इज़ समथिंग आई रियली फाइंड इट थेरेप्यूटिक, डिस्कसिंग अबाउट फूड एंड एवरीथिंग. तो एंड टॉकिंग अबाउट द कुजीन्स, ऑफकोर्स इंडियन कुजीन इज द अल्टीमेटम. But apart of that, I also like Italian. I really enjoy pasta, spaghetti pastas or something like that. I do enjoy that. So maybe the Italian cuisine I really like. Next question people ask that do I have any particular morning routine or a particular night routine, something like that. So yeah, morning routine I do have, which on and off I consistently follow. But sometimes it happens ki nahi hota. Lekin usually I try to follow it the अच्छे लेवल पे. सो मॉर्निंग रूटीन इज़ यूजुअली लाइक हैविंग वॉर्म वाटर, हैविंग समथिंग लाइक ग्रीन टी पी लिया, चिया सीड वाटर पी लिया, समथिंग लाइक दैट मॉर्निंग में. एंड वर्किंग आउट एफर्मेशन से शुरू होता है, देन अच्छा म्यूजिक एंड एवरीथिंग. दैट्स हाउ यूजुअली देन गोइंग कुकिंग फूड, कुकिंग ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट आई एम डूइंग इट रेगुलरली ऑन अभी आजकल. Also in the morning routine, I usually have my medicines. They're the homeopathic medicines, good for your gut health, hair, and इसके साथ साथ multivitamins वगैरह, ये सब चीज़ें मैं सुबह morning में ही consume कर लेती हूँ. And talking about the night routine, तो night routine ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे पास. I just watch and scroll in reels, Instagram. It's not a routine, I know, but this is something very bad. I need to improve my night routine, but there is no as such अभी night routine which I'm following. Neither in the terms of skincare or something which I need to restart again. थोड़ा सा उस चीज़ में भी, but हाँ, that is it. I don't think so. I don't have any particular night routine. It just
मैं हाँ ये चीज़ करती हूँ कि मैं एक रात पहले ही जिम के जो मेरे को वर्कआउट क्लोज होते हैं वो पहन के सोती हूँ, सो दैट इट्स ऑलवेज अ कॉल टू एक्शन सुबह कि अब चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट सुबह उठो एंड वर्किंग आउट, लाइक काम वाम करा करा एंड स्टार्ट वर्किंग आउट, दैट्स द थिंग आई स्टार्ट डूइंग. तो ये चीज़ मैं रात में सोने से पहले करती हूँ. जस्ट एडिंग छोटा सा बिंदी. Okay guys, so I think I'm done with the makeup. Let me know how it is looking and I really want to know your guys' input that how did you like this video? Kaisa laga? It's my very first time I'm making a sit and down video giving live updates on sitting and everything. So I hope you guys enjoyed thoda makeup I feel, and I've also mentioned sare products. So okay guys, so I'm done with the makeup and it's the very first time I have done a video like this. So yeah, it is very first time that I've been doing video like this. I'm very nervous because I've never sit down and given a life update talking about life and my perspectives about life. But it's time to build a community together and you guys should know how it's like. And you guys should know, I guess, okay, what's happening in life if I wanted to be a content creator for a long time of period. I feel like aap logo ko thoda meri life ke bare mein pata hona chahiye, what I'm doing, what are the things, so that we can build up a community aage long time mein. And yeah, so I truly hope you guys like the makeup and the video particularly, and sare products maine of course mention kiye na saath mein hi video ke. And yeah, so thank you for watching. Agar aap yahan tak aaye hain, subscribe karke jana channel ko, mere ko Instagram pe follow kar lena, and social and shower some love. And thank you so much if you guys have been watching till here. It truly means a lot. Thank you. Hello guys, so welcome back to my channel. I am Khushi Sinha and I hope you guys are going good and doing great in your lives. वेल आज मैं इतना तैयार होकर नवरात्रि गेटअप पर बैठी हूँ. वैसे सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड सो आई गॉट रेडी इन दिस लाइक मेकअप वगैरह बिकॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी सिट एंड टॉक एंड लाइफ अपडेट्स वाइल डूइंग द मेकअप. सो हाउ आई हैव अचीव दिस लुक, ये आपको ओवर द टाइम मेकअप पूरा वीडियो में पता चलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए, मैं उसको मेंशन करती रहूँगी. बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हूँ चैनल पे, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शो सम लव, शेयर सम लव एंड चलते हैं. और साथ में अगर इंस्टाग्राम में मेकअप एंड एट द सेम टाइम मैं इंस्टाग्राम पर बहुत कॉन्शियसली पोस्ट करती रहती हूँ, सो इफ़ यू हैवन चेक दैट आउट, टू चेक दैट आउट, मैं इंस्टाग्राम आई डी भी लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, गो थ्रू दैट एज वेल. सो येस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इन टूडेज वीडियो. बट हाँ, ये सारी चीज़ें थ्रू द एक्सपीरियंसेस, कुछ क्वेश्चन मोटिवेशनल है, कुछ क्वेश्चन लाइफ रिलेटेड है, तो ऑल दोज थिंग आई हैव गिवन बाय माई ओन एक्सपीरियंसेस. आई माइट नॉट बी दैट अप्रोप्रिएट जो लोगों को चाहिए था, तो bear with me with that. And it's a very first time I have done a video like that, so I'm very nervous actually. So yeah, I hope you guys enjoyed. Please drop a comment कि कैसा लगा, कैसा लगेगा आपको पूरा video. Please उसको comment करना, if there's something to improvise or something like that, I'm always open with a warm heart. Please मुझे बताना. So yes, without any further delay, let's get into today's video.